चाननियन रूपवा तोहर काजर नियन कोर कितना गोर बाड़ू हो तोहार नहीं कौनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो। दोस्तों हमारे साथ हैं अमन श्लोक जी जो बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, म्यूजिक भी बनाते हैं, गाना लिखते हैं, और साथ में हैं रानी चटर्जी जी। और रानी जी को आज इन्होंने गाना गवाया भोजपुरी फिल्म के लिए। तो अमन जी जरा बताएं किस फिल्म के लिए आपने आज रानी से गाना गवाया? एक्चुअली हमारे जो निर्देशक दिलीप गुलाटी जी हैं उन्होंने भी वो भी चाहते थे कि रानी जी गाएं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो इनको बहुत पहले लगभग 6-7 साल पहले ही मैंने बोला था कि आप बहुत अच्छा गा सकती हैं, और नेचुरली इन्होंने बहुत बढ़िया गाया। और इनके ऊपर जो आवाज़ वो खुद का इन्होंने गाया तो बहुत बढ़िया लग रहा है गाना, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा और दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। एक किस फिल्म का है और कब तक रिलीज करेंगे इस गाने को? गंगा और गीता फिल्म के लिए हमने रिकॉर्ड किया है रानी जी की गाने जो हैं, और मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर ही इसका गाना पब्लिक को सुनने के लिए मिलेगा। रानी कैसा लगा अमन जी के साथ एक नए सुर में नए गाना गा के? वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर। मेरी काफ़ी फिल्मों में इन्होंने हिट म्यूजिक दिए है, और इन्होंने मुझे कई बार कहा भी, पहले भी कहा था कि कोशिश करो गाने की, पर मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। बट जब आज इन्होंने कहा कि गा लोगे आप मुझे पता है, तो इनको सुन के मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड आई होप कि मैंने बेटर ही गाया होगा। आज तो मुझे लग रहा है अमन जी नर्वस लग रहे हैं आज। नहीं ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल एकदम। नहीं बिल्कुल नर्वस नहीं, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। आपका गाना बहुत हिट हुआ है थम के बरस, जरा एक लाइन हो जाए। थम के बरस हो जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग जाएगा वो। थम के बरस हो जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है। ये सॉन्ग इतना सुपर हिट है, आई नो कि मैं तो कभी स्कूल टाइम था मेरा जब ये गाना रिलीज हुआ था, और ये हर जगह बजता था, ये गाना हर जगह ये गाना बजता था। बारिश होती थी, रानी उसमें नहाती थी, फिर ये गाना बजता था। अरे ये गाना इतना फेमस है, मतलब मुझे लगता है कि लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन ऑडियो ये सुपर हिट है। इसी गाने से मेरी अमन जी फिल्म की निर्मात्री कोमल जी हैं, जैसे गुलाटी जी है, कितना सहयोग मिलता है आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे आम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ये बहुत डेडिकेटेड हैं। 24 घंटा मुझे लगता है सिनेमा के बारे में ही सोचती रहती हैं। सिनेमा ही खाते हैं, सिनेमा ही जीते हैं। करेक्ट। सिनेमा ही पीते हैं। करेक्ट। और नित नए प्रयोग, बढ़िया टेक्निकली, और पैसा भी समय पे देती है। क्या बात है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, पैसे टाइम पे देते हैं। दिलीप जी तो मुझे लगता है कि जो सोते भी होंगे तो भी एक्शन का दिमाग में चलता होगा। कोमल जी के बारे में एक लाइन का कहना हो तो? जैसा कि नाम उनका कोमल है, अभी इससे बड़ी बात और क्या कि वक्त पे मुद्राएं पैसा सब मिल जाता, अब इससे अच्छा प्रोड्यूसर और क्या हो सकता। गूगल नंबर तो ना मांग ले। कैसा लगा, कितने गाने हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में 7 गाने हैं, और एक से एक बढ़ के गाना है रानी जी ने गाया है। शिल्पी राज सिंगर है, विजय चौहान सिंगर है, मोहन राठौर है, आलोक कुमार है, मनोरंजन ने गाया है, खुशबू जैन ने गाया है, और बहुत सब मार्केट से प्रोफेशनल सिंगर हैं। बहुत एकदम डिफरेंट टाइप का एनर्जेटिक म्यूजिक रखा है। म्यूजिक तो डेफिनेटली अमन जी हैं, तो म्यूजिक तो लाजवाब है हमारी फिल्म का। इट्स अ टोटली कमर्शियल म्यूजिक, जैसे कहते हैं कमर्शियल फिल्म भी है और कमर्शियल म्यूजिक है जो हर जगह बजेगा। इस तरह के गाने इस पर। रानी पहले के और अभी देखा जाए गाने बहुत सारे चेंजिंग हो चुके हैं, पहले लाइव बजते थे, अभी लाइव नहीं बज रहे हैं, क्या कुछ बजा है, कितना बदल चुका है? इसका बेटर आंसर अमन जी दे पाएंगे। सर आप ही बताइए। ऐसा है, ज़माना चेंज होता रहता है, हर चीज़ जो है कुछ दिन के बाद लोगों को, अब जैसे रोज़ आलू बैंगन की सब्जी रोज़ आप नहीं खा सकते, कभी आप सोचेंगे थोड़ा टेस्ट चेंज हो, कभी करेला खाएंगे, कभी पनीर खाएंगे, तो इसी तरीके का म्यूजिक का जो ट्रेडिशन है, ऑर्केस्ट्रेशन है, वो चेंज होता रहता है। पब्लिक भी अब थोड़ा चेंज ओवर चाहती है, उसके हिसाब से सब प्रयोग किया जाता है। अभी आप भोजपुरी में जो पहले कंटेंट पे काम होता था, अभी रानी जी ने खुद ही बताया कि अभी कंटेंट वाइज फिल्में बनती हैं, क्योंकि चैनल पे थिएटर से ज़्यादा चैनल पे लोग देखते हैं, टीवी पे बैठ के देखते हैं परिवार के साथ, तो नेचुरली कंटेंट बदल गया, तो म्यूजिक का स्तर और ऑर्केस्ट्रेशन भी सब कुछ बदल गया है, और ज़रूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है,
तो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बदलेंगे तो पब्लिक हम लोग को बदल देगी। या डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि अभी की जो जनरेशन है, यंगस्टर्स स्पेशली जो हैं, वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं गाने आज की डेट में, तो उनको सबसे ज़्यादा वो, जैसे आजकल जो चेंज हुआ है अचानक से, एक जो डीजे एंड रैपिंग एंड एक जो नया चीज़ें आई, हम नई नई जनरेशन की वजह से ही आया है, लेकिन जो हमारी फिल्मों में जो गाने आते हैं वो सदाबहार गाने हैं। हर यू नो हर गाने का एक सीज़न है, मैंने अभी जो नोटिस किया है, जो अभी जो नए नए लोग बना रहे हैं एल्बम्स के गाने, हिंदी हो या भोजपुरी हो, कहीं के भी गाने हो, वो एक ट्रेंडिंग पे जब तक हैं यू नो तब तक वो उनका माहौल है, वो ट्रेंडिंग से हटा दूसरा गाना ट्रेंडिंग पे आता है, उनकी उम्र नहीं है, लेकिन जो हमारी फिल्मों के गाने होते हैं, कॉन्टेंट जो हमारी फिल्मों में आता है, वो सदाबहार गाने हैं, वो आप कभी भी सुन सकते हैं। अचानक अगर आपको गाने के लिए बोला जाए तो कौन सा गाना सबसे पहले जुबान पाएगा आपके? भोजपुरी या हिंदी, कोई भी। मैं वैसे बहुत म्यूजिक लवर हूँ, मैं हर लैंग्वेज के गाने सुनना पसंद करती हूँ, और मेरे मूड के हिसाब से मैं गाने सुनती हूँ एक्चुअली। भोजपुरी अगर मैं गुनगुनाती हूँ तो मेरा सबसे फेवरेट गाना अभी अभी चल रहा है, जो अभी नया रिलीज़ हुआ है, आम्रपाली का और दिनेश जी का, तोहरा खेरा कब सजना पलखन की छाँव में, ये दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट नाउ। और हिंदी में कौन सा नाम है मैं हिंदी या हिंदी में मेरा कोई फेवरेट गाना है नहीं इस वक्त है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, रानी बहुत गाया, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी हाँ, तो इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन की कि अचानक कौन सी गाना याद आता हिंदी का इतना, लेकिन भोजपुरी का बता सकती हूँ, हिंदी का तो मैं 90s की गाने, आपने एक गाना भी गाया था पहले कुछ साल पहले, याद है आपको? भोजपुरी में हाँ ऑफकोर्स याद है, एक लाइन ऑफकोर्स याद है, दो गाने गाए थे मैंने रानी वेट्स राजा में, एक में रैप किया था, वो गा देती हूँ। चला नए राजू पाटी जी अब एक रार, चला लॉन्ग ड्राइव पर, पार्टी शार्टी कहीं जाए था कि अकवार, चला लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर, इतना याद है। अमन जी ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह अच्छे फिल्मों को आप अप्रिसिएट करिए, प्रोत्साहन दीजिए, ताकि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो अच्छी अच्छी फिल्में आप लोगों के खिदमत में लेके आए, कलाकारों को हौसला मिले, और अश्लील कंटेंट जो भी आदमी बनाता है, जो फिल्मों में अश्लीलता भरना चाहता है, अश्लील गाने हैं, अश्लील पिक्चराइजेशन है, अश्लील कंटेंट है, उसको बहिष्कार करें, जैसे आप बायकॉट गैंग होता है उस तरीके से सक्रिय हो, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी साउथ इंडस्ट्री की तरह इसको परिवर्धन मिले, इसको पोषित किया जाए, इसे और एक्सटेंशन मिले। तो निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगा कि अच्छी फिल्मों को अप्रिसिएट करें, उसे लाइक ज़रूर करें, अच्छे गाने हों, अच्छी कंटेंट की फिल्म हो, अच्छे कलाकार हो, तो उसको अप्रिसिएट होना ही चाहिए, उसको हौसला मिलना चाहिए। धन्यवाद सर।